हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोनू सर। और आज हम आ गए हैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, स्क्वायर एंड क्यूब ट्रिक्स। ठीक है, कई स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है स्क्वायर और क्यूब लर्न करने में। ठीक है, उसी का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आ गए। और ये जो क्लास है, क्लास सिक्स हो, क्लास एट्थ हो, क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, जो भी स्टूडेंट है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखो, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एक ही ट्रिक की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए और उसे इतना अच्छा बना लीजिए कि आपसे बेटर कभी कोई कर ना सके। ठीक है, तो आप उसे बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर दें। ठीक है, व्हाट इज़ अ स्क्वायर, मतलब मैं बोल दूं आपसे, आप टू का स्क्वायर निकालिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब है उसी नंबर का उसी से एक बार मल्टीप्लाई, वन टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है, जैसे टू का स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, तो टू का क्या कर दूंगा, टू से एक बार मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया आपका, फोर। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर मैं पूछ लूँ आपसे सेवन का स्क्वायर निकालिए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सेवन का सेवन से वन टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आप इजीली निकाल सकते हो, नाइन का, ट्वेल्व का, एलेवन का। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आपको ट्रिक के जरिए बताता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे मैं बात करता हूँ 21 का स्क्वायर निकालना हमें। ठीक है, 21 का स्क्वायर निकालते हैं सिंपली, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना, आपको कुछ नहीं करना, आपको राइट साइड से आपको टू ग्रुप बनाने। तो जैसे राइट साइड ये है, ठीक है, यहाँ से पहला ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये। और ये बात याद रखना कि पहले ग्रुप में हमेशा क्या आएगी आपकी, एक ही डिजिट आएगी। ये फर्स्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हमेशा क्या आएगी, एक ही डिजिट आएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों ग्रुप का आपस में मल्टीप्लाई करके टू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसके नीचे इसका स्क्वायर लिख देना है, जैसे टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। ठीक है, वन के नीचे वन का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको, अगर जो फर्स्ट ग्रुप है इसका आप स्क्वायर करते हो और यहाँ पर क्या आती है, एक डिजिट आती है, ओनली वन डिजिट आती है, तो आपका क्या करना है, वहाँ पर दो डिजिट बनानी है हमेशा, याद रखना। इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप की। ठीक है, यहाँ पर आपको दो डिजिट बनानी है हमेशा, आप क्या कर दो, जीरो ऐड कर दोगे, या जीरो ऐड कर दी, जीरो वन। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, कितना आ गया, फोर आ गया। ठीक है, अब जितना आया है आपको सिर्फ एक डिजिट यहाँ से छोड़ देनी है और इसको नीचे रख कर ऐड कर देना है, प्लस कर दो, कितना आ गया, फोर फोर वन। तो 21 का स्क्वायर क्या आ गया आपका, सीधे सीधे फोर फोर वन। चलिए और भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, 23 का स्क्वायर देखते हैं। देखो 23 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, वही सेम करेंगे, दो ग्रुप बनाने हैं आपको राइट साइड से। ठीक है, तो पहला ग्रुप ये हो गया और सेकंड ग्रुप ये, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल, ऐसे याद रख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू थ्री इंटू टू। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके नीचे, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। ठीक है, और इसका स्क्वायर इसके नीचे कितना हो गया आपका, नाइन। लेकिन यहाँ पर कितनी डिजिट आ रही है, सिर्फ एक, तो आपका क्या करना है, यहाँ पर जीरो लगाकर दो डिजिट बना देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, टू थ्री है सिक्स, सिक्स टू है ट्वेल्व, तो कितना आया, ट्वेल्व। ठीक है, आपका क्या करना है, यहाँ से एक डिजिट छोड़नी है और बाकी जो ये है इसको इसके नीचे ला देना है। ठीक है, और फिर क्या कर देना, प्लस कर देना, नाइन टू फाइव। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर क्या आ गया आपका, फाइव टू नाइन। अब आप ये कहो सर इतना लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, हम तो ऐसे निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पर ये ट्रिक आ जाएगी तो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि आप इनका मल्टीप्लाई इधर रख रहे हो या फिर इसका स्क्वायर इतनी बहुत जल्दी से करो। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो मुझे ऐसे करने की जरूरत थोड़ी ना, फोर इंटू टू इंटू टू, फोर का स्क्वायर 16, यहाँ जीरो फोर,
फोर टू या एट, एट टू या सिक्सटीन, फोर सिक्स सेवन वन, दैट इज योर आंसर। और भी आसानी से करोगे आप, ठीक है, और भी आसानी से देखो। जैसे अब एक और करके बताता हूँ, 37 का करना है, 3 इंटू सेवन इंटू टू, ठीक है, 9, 49, 7 3 21, 21 2 जा 42, 9, 6, 9 और 4 13, 1 3 6 9, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं है, ठीक है। देखो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी आपको बता देता हूँ, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 21, 21 और 4 25, ठीक है, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, प्लस कर दो इनको 9, 5 1 6, 2 और 1 3, तो देख लीजिए 1 3 6 9 और 1 3 6 9 ही आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप और भी स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये तो हो गया हमारी टू डिजिट नंबर की बात, अब चलते हैं थ्री डिजिट नंबर पर, ठीक है भाई। टू डिजिट नंबर पर तो आपका हो गया, आपको सर टू डिजिट का तो बता दिया, थ्री डिजिट का ही बता दीजिए। आप थ्री डिजिट बोलूँ मैं आपसे, फाइव डिजिट बोलूँ, फोर डिजिट, सभी का निकाल सकते हो आप स्ट्रिक से, ठीक है। देखो आप थ्री डिजिट पर चलते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 129 का स्क्वायर निकालिए, तो सिंपली क्या करना है आपको, दो ग्रुप बनाने, वो भी राइट साइड से, और पहले ग्रुप में क्या रहनी चाहिए, ओनली एक डिजिट, पहले ग्रुप में एक, दूसरे में क्या हो जाएंगी, ये दोनों की दोनों आ जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों ग्रुप का मल्टीप्लाई और फिर इसका टू से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर इसके नीचे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अगर नहीं आता है तो आप इसी ट्रिक का यूज करके जल्दी से जल्दी पीछे निकाल लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई इसके नीचे रखना है, तो देखो 12 9 या 108, 108 2 जा कितना होता है 216, तो एक डिजिट छोड़नी है और यहाँ पर रख देना 216, और फिर आप इनको प्लस कर दीजिए, सिंपली क्या हो जाएगा 1 8 और 6 14 कैरी 1 4 5 6 4 2 6, ठीक है, दैट इज योर आंसर। ईजिली आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो, देखो मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेते हो। अब देखना मल्टीप्लाई में कितना टाइम लगने वाला है, आप यूँ कहोगे ना कि इतना टाइम लग रहा है सर मल्टीप्लाई में, देखना और मिस्टेक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर एडिशन भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है आपको, ठीक है, इसलिए गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखो 129 मल्टीप्लाई 129, 99 जा 81, 8 कैरी, 9 टू जा 18, 18 और 8 26, 2 कैरी, 9 वन जा 9 और 2 11 क्रॉस, 29 जा 18 कैरी 1, 22 जा 4 और 15, 21 जा 2, ठीक है, 921। अब ऐड करेंगे 1, 8 और 6 14 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 6 16 कैरी 1, 2 और 2 4, 4 और 2 6 1। आप देख सकते हो दोनों ही आंसर क्या आपके सेम है, तो इस तरीके से आप थ्री डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। हम और भी बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थ्री डिजिट नंबर का। जैसे अब आपसे पूछ लिया 146 का स्क्वायर बताइए, 146 का स्क्वायर आपको बताना है, तो सेम जो चीज़ बताइए, ठीक है, वही आपको वर्क करना है, दो ग्रुप बनाने, वो भी किधर से, राइट साइड से, ठीक है। तो पहले ग्रुप में सिर्फ एक ही डिजिट रहेगी, बाकी जो डिजिट है दोनों की दोनों किस में आ जाएंगे, सेकंड ग्रुप में, ठीक है। आपका क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इसका टू टाइम कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर इसके नीचे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। देखो कुछ स्क्वायर आपको पता भी होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसी ट्रिक का यूज करके पीछे निकाल लीजिए और यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू टाइम करके आपको इसके नीचे रख देना है, ठीक है। 14 6 जा कितना होता है 84, 84 2 जा 2, 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो 6 8 3 11 कैरी 1, 12 13 कैरी 1, 9 2 11, ठीक है, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर लीजिए, 146 मल्टीप्लाई 146, 6 6 जा 36, 3 24, 27 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 4 4 6 जा 24, 2 16 टू 18, 5 41, 6 11, 23। देख सकते हो आप दोनों आंसर आपके सही आ रहे हैं, ठीक है।
तो मैं आपको कुछ स्क्वायर दे रहा हूँ जो आप घर पर प्रैक्टिस करिए, और अगर आपके आंसर गलत आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है? आप कमेंट कर दो तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है? और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है? आपको इसी ट्रिक से करना है, ठीक है? आप निकालना 46 का स्क्वायर सेकंड, 30 का स्क्वायर थर्ड, 18 का स्क्वायर फोर्थ, 58 का स्क्वायर फिफ्थ, 67 का स्क्वायर सिक्स्थ, 111 का स्क्वायर सेवन्थ, 128 का स्क्वायर एट, 142 का स्क्वायर नाइन, 337 का स्क्वायर टेंथ, 441 का स्क्वायर, ठीक? तो ये सभी आप स्क्वायर निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये सोच रहे हो 337 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा के भी दिखा देता हूँ। देखो, जैसे अपना 427 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना हमें, ठीक है? आपसे पूछ लिया 427 का स्क्वायर बताइए आप, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, वही दो ग्रुप बनाने, इधर से एक, तो ये एक ही बन जाएगा, ठीक है? 42 × 7 × 2, ठीक है? याद देखिए 42 का स्क्वायर। अब देखो, आप पर 42 का स्क्वायर तो आता नहीं है भाई, इतने ज़्यादा स्क्वायर तो नहीं आते होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा ऐसे करके जल्दी से जल्दी निकाल लेना। ठीक है, ये निकाल लिया, यहाँ पर रख दीजिए। 7 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 49 होता है, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 7 × 14 का मल्टीप्लाई करिए आप सिंपल, और एक डिजिट को छोड़ दीजिए। 14 × 28 2 कैरी, 14 × 4 = 56 और 2 कितने हो गए 58 हो गया आपका। 9 × 8 = 12 कैरी, 1 × 8 = 12 13 कैरी, 1 × 6 = 12 1 7 1 8 दैट योर आंसर। ईजिली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ठीक है? आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, 427 × 47, वहाँ पर देखो मल्टीप्लाई फिर कैरी फिर एडिशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मैं स्क्वायर ट्रिक्स लेके आया हूँ। आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। देखो, अगर आपका 30 60 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत सोचना कि 30 60 है। जैसे 60 का स्क्वायर निकालेंगे आप, तो सिंपल था वही दो ग्रुप बनाने, 6 × 0 × 2, ठीक है? यहाँ देखो 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है? 0 का क्या होगा, 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, दो डेट बनाते हैं, ठीक है? अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0 6 3, तो ये आ गया। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 का स्क्वायर लगा दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, अब 0 है। अगर किसी का स्क्वायर करते हैं, जितनी पावर होगी ना उतनी ही 0 का क्या कर देंगे, उतना ही कर देते हैं, उतने ही नंबर्स कर देते हैं। अगर 2 है तो 20 लगा दीजिए, ठीक है? अगर यहाँ पर 20 होते तो उसका 4 हो जाता, 30 होते तो 6 हो जाता, उसका 2 टाइम कर दीजिए, ठीक है? तो ये तो आपकी स्क्वायर ट्रिक्स थी। अब बात करते हैं क्यूब ट्रिक्स की, ठीक है? तो क्यूब ट्रिक्स पर चलते हैं। देखिए, आप इनको करके मेरे को फोटो भी भेज सकते हो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको समझा दूँगा। या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो स्क्वायर का जो आप पर नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, क्यूब ट्रिक्स की, ठीक है? अब पहले वही क्यूब समझ लेते हैं भाई, क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब किसे कहते हैं? जैसे हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर पावर कितनी थी 2, तो उस नंबर का कितनी बार 1 टाइम मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर पावर कितनी होगी 3, ठीक है? तो इस नंबर का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 टाइम, मतलब 2 × 2 × 2। इसका अगर इंग्लिश में बोलता 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाई इट्सल्फ, खुद के साथ दो बार मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, तो खुद के साथ दो बार मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है? तो ये क्या होगा आपका क्यूब, कितना आ गया भाई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, सिंपल, ठीक है? ऐसे अगर 3 का क्यूब निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27। अब तो क्यूब तो स्क्वायर से और ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे स्क्वायर निकालने को होगा तो चलो आप मल्टीप्लीकेशन करके निकाल भी लोगे, मैंने मान भी लिया, लेकिन क्यूब में क्या करोगे,
ट्वेल्व का क्यूब आ गया, तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेल्व, फिर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो आप इजीली इस ट्रिक से। देखो जैसे मैं ट्वेल्व का ही बता देता हूँ, ठीक है, ट्वेल्व का क्यूब, ठीक है। आपको उसी तरीके से चलना, आपको दो ग्रुप बनाने राइट साइड से, तो एक में ये एक में ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर कॉलम में डिवाइड कर देना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फोर कॉलम में डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, अपने पेज को। आप क्या करोगे, पहले कॉलम में पहले जो आ रहा है इधर से इसका क्यूब, और लास्ट वाले कॉलम में जो लास्ट में आ रहा है उसका क्यूब, ठीक है, टू का क्यूब, ठीक है। इतना करना, पहले कॉलम में तो पहले जो आ रहा है उसका क्यूब, लास्ट में जो आ रहा है उसका लास्ट वाले में क्यूब, ठीक है। सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। और दूसरे इससे आगे वाले में क्या आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, वन और इसका स्क्वायर, ठीक है। वन का क्यूब क्या होता है, वन ही होता है, तो वन ही लिख देंगे यहाँ पर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, और वन का मल्टीप्लाई टू से करो तो टू ही आने वाला है, ठीक है, सिंपल। देखो वन का या टू का स्क्वायर करेंगे फोर होता है, फोर वन जा फोर, और टू का क्यूब कितना होता है एट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ग्रुपों से तो कोई मतलब नहीं है, इनको तो छोड़ देना है, ठीक है। इसका डबल जो टू है, इसका डबल आपको इसके नीचे लिख देना है फोर, ठीक है, और इसका डबल इसके नीचे कितना आ जाएगा एट, ठीक है। फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको प्लस कर देना है इन सभी को, ठीक है। क्या करना है, जो बीच वाले दोनों कॉलम है इनका डबल इनके नीचे लिख देना है, ठीक है। इनसे नहीं, इनका डबल नहीं करना आपको कुछ भी, ठीक है, जो बीच में आ रहे हैं इनका डबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एट ही आ जाएगा। और एक और चीज़, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट लिखनी है, आगे जो डिजिट होगी वो कैरी में चले, जैसे ऐड करते हैं ना सिंपल, कि एक को लिखते दूसरे को इधर पहुँचाते कैरी में, वो करना आपको। एट और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व आ रहा था टू लिखेंगे, वन किधर चलेगा इधर कैरी में, ठीक है। फोर और टू सिक्स और वन सेवन, और वन का वन कितना आ गया आपका क्यूब, वन सेवन टू एट, ठीक है, ये आपका हो गया क्यूब ट्वेल्व का, ठीक है। चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो, देखो ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई दोबारा 12 से करेंगे कितना आएगा, 12 फोर जा 48, फोर कैरी 12 फोर जा 48 और फोर कितना हो गया 52, फाइव कैरी 12 वन जा 12 और 5 17, 17280 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं आगे, और भी नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे आप निकालते हैं 37 का क्यूब, ठीक है, तो वही सेम करना आपको, यहाँ से राइट साइड से आपको ग्रुप बनाने, दो ग्रुप बनाने, और यही याद रखना कि राइट साइड वाले ग्रुप में सिर्फ एक ही डिजिट रहनी चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखना। पहले ग्रुप में पहले जो आ रहा है उसका क्यूब, और लास्ट के ग्रुप में लास्ट में जो आ रहा है उसका क्यूब, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में पहले वाले का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो थ्री का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेवन, ठीक है। दूसरे तीसरे वाले ग्रुप में क्या करेंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर और पहले वाले से मल्टीप्लाई, थ्री मल्टीप्लाई सेवन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए थ्री का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, इसका कितना हो जाता है, वो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन सेवन जा 63, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो ये कितना आएगा, सेवन का स्क्वायर 49, तो 49 मल्टीप्लाई कितना करेंगे थ्री, तो 39 जा 27, टू कैरी 34 जा 12 और 2 14, ठीक है। अब 7 का क्यूब कितना था 343, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को तो आपको छोड़ देना है, इन दोनों का डबल आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इनके नीचे। तो 23 जा 6, 26 जा 12, ऐसे 27 जा 14, कैरी 1, 24 जा 8 और 19, 21 जा 2, ठीक है। फिर आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना। अब यहाँ पर आएगी आपको प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो मैंने क्या बोला है कि आपको एक डिजिट यहाँ पर रखनी है, ठीक है, बच्चा जो है उसको रिमेनिंग को कैरी में पहुँचा देना, जैसे 3 4, ठीक है, कैरी में पहुँच गया। अब ऐसे ही ऐड कर देंगे, देखो 7 और 4 11 11, तो 1 कैरी ही जा रहा है, तो 1 कैरी इधर ही लगा दो, ठीक है। अब देखो इन सभी को ऐड करना है आपको, एक साथ सभी को ऐड करना है। देखो 29 और 1 30 और 40 कितना हो जाएगा, 30 एंड 14 44,
44 और 3 47, तो 47 को आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 6 16, कैरी 1, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 और 1 23, 23 को इधर रख देना है। अब ऐड कर दिया सिंपल, 7 और 3 10, कैरी 1 कितना 2 4 और 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50,653, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं सही है नहीं है, देखो पहले 37 × 37 कर लेते हैं, तो 37 देखो जैसे चेक भी करना है आपको, ये करना है तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब क्या स्क्वायर निकालो सिंपल सा जल्दी से जल्दी ट्रिक से कर लेंगे हम। 9 49, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 9 4 2 6 13, ठीक है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना, 37 का कर दो, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 6 48, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 2 कैरी, 7 जा 7 और 2 9, ठीक है। क्रॉस 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ऐड कर दीजिए 3 8 7 15, ठीक है। कैरी 1, 5 1 6 हो जाएगा, 9 1 10, कैरी 1 5, तो आंसर आप देख सकते हो दोनों आंसर आपके सही है, ठीक है। तो आप इजीली इस ट्रिक से क्या निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का क्यूब आप निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे आपका वो 101 हो, ठीक है, तो 101 का भी देख लेते हैं एक बार, आप करा के बता देता हूँ। अब देख लेते हैं 101 का क्यूब, तो सिंपली आपको क्या करना है, दो ग्रुप बनाने, ठीक है। पहले ग्रुप में हमेशा क्या रहेगी, एक ही डिजिट रहेगी, बाकी में 2 3 जो भी है बढ़ती हुई जाएंगी। तो पहले ग्रुप में पहले का क्यूब, ठीक है, और लास्ट ग्रुप में लास्ट का, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे से मल्टीप्लाई, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और इससे अगले वाले में क्या करेंगे, लास्ट वाले का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का क्यूब 0 है, ठीक है, 1 0 लगी हो और कितनी पावर 3, तो कितनी कर देंगे 3 0 लगा देंगे, 1000 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, 1 0 है, पावर कितनी लगी हुई है 2, तो 0 कितनी हो जाएंगी 20, मतलब 100 101 जा 100, ठीक है। सिंपली यहाँ पर तो 10 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 ही आने वाला है, और 1 का क्यूब 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाले ग्रुप से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इन दोनों का डबल कर देना, तो 100 का डबल 200 और 10 का डबल 20, ठीक है। अब आप सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, तो देखो 1 आ गया, यहाँ पे ऐड करो 20 और 10 कितना होता है 30, 3 कैरी, ये कितना 200 प्लस 100 कितना 300, और 3 300 3 3 30 कैरी में चला जाएगा, और इनको ऐड करो तो 1 0 3 0, तो दैट इज योर आंसर। ईजिली आप निकाल सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है, विदाउट अदर कैलकुलेशन। आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गलती करने के, ठीक है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा, लेकिन मेरे लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब इसकी 3 4 और प्रैक्टिस कर लोगे, 3 4 क्वेश्चन कर लीजिए मात्र, 3 4 क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। आप टाइमिंग लगा लीजिए कि पहला क्वेश्चन इतने टाइम में हुआ, दूसरा क्वेश्चन इतने टाइम में हुआ, तो आप खुद ऑटोमेटिकली देखोगे कि 5th क्वेश्चन जो है बहुत कम टाइम में होगा। और जब आप बार बार यूज करोगे ना कैलकुलेशन में, तो आपको इतनी आदत पड़ जाएगी कि कहीं पे भी स्क्वायर आएगा तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे बिल्कुल भी, आप सीधे क्या करोगे, ट्रिक का यूज करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। तो यही थे हमारे क्वेश्चन, और मैं अब क्यूब रूट की ट्रिक और स्क्वायर रूट की ट्रिक भी लाने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं थोड़ा सा वर्क दे देता हूँ आपको, 5 क्वेश्चन आपको क्यूब के भी दे देता हूँ, तो क्यूब करिए। देखिए आपको जो वर्क दिया जा रहा है, आप उस वर्क को करके दिया करो करो, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पूछा करो करो, भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये समझ लो आपके टीचर ही हम, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे देखो आपको क्यूब निकालना, 13 का क्यूब निकालना, ठीक है। सेकंड 14 का क्यूब निकालना, थर्ड 23 का क्यूब निकालना, फोर्थ 32 का क्यूब निकालना, और फिफ्थ 36 का क्यूब निकालना, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आप इजीली इन्हें लिख लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख करके, और आंसर मुझे भेज सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो, या फिर आप क्या करो मेरे कमेंट बॉक्स में भेज दिए सिंपली, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।